हेलो दोस्तों, मनोज पिल्पे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेरे भाई बहनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हरियाणा के आभूषण लेकर आए हैं। दोस्तों, HSSC अपने हर एक एग्ज़ाम में आभूषण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लेती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में हरियाणा के जितने आभूषण हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें तो आपको सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों, हमने इसकी एक नोट्स भी तैयार किया है इसका, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि जो है क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी से मैं रिलेटेड बात करता हूँ तो उससे रिलेटेड मैं कोई भी बात होती है तो मैं वो साथ साथ बता देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनसे आप वंचित ना रहें, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, जो सिर पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो होते हैं दोस्तों शीशफुल और सिरमांग। दोस्तों, ये दो ही होते हैं, शीशफुल और सिरमांग। दोस्तों, माथे पर जो चीज़ें लगाई जाती हैं, जो आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों, उसमें बिंदिया आती है, मैमद आता है, टिक्का आता है, बोरला आता है और दोस्तों छाज आता है। रिपीट करा देता हूँ दोस्तों, माथे पर दोस्तों बिंदिया, मेमद, टिक्का, बोरला और छाज। दोस्तों, जो कान में पहने जाते हैं जो आभूषण वो होते हैं झुमका व झुमकी, इनमें कोई भी हो सकता है, झुमका व झुमकी बोलते हैं, कर्णफूल, बाड़ी, भुजनी और पीपत पत्थर और बंटी। दोस्तों, याद रखना है झुमका या झुमकी, कर्णफूल, बाड़ी, बुजनी, पीपत पत्थर या बंटी। दोस्तों, नाक में जो पहने जाते हैं जो आभूषण वो हैं लौंग, भवरा, पुरली, नकेसर, बेरुसर और नाथ या नथ। दोस्तों, रिपीट करता हूँ, नाक में जो पहने जाते हैं वो लौंग, भवरा, पुरली, नकेसर, बेरुसर, नथ या नाथ। दोस्तों, दांत दांत में जो आभूषण होते हैं दोस्तों वो होते हैं रखन या चुप, ये ध्यान रखना, दांत से भी पूछे जाते हैं रखन या चुप। दोस्तों, गले में जो आभूषण पहने जाते हैं वो होते हैं हार, हसली, पत्री, मंगलसूत्र, चैन, झालर, गलसरी। दोस्तों, ये होते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण। दोस्तों, जो कमर में होते हैं, कमर में यूज किए जाने वाले दोस्तों आभूषण होते हैं वो होते हैं कनकती, तागड़ी, सतका, चोप या चौथ भी कहते हैं इसको, और कदोरा। दोस्तों, रिपीट करता हूँ, कनकती, तागड़ी, सतका, चोप या चौथ और कदोरा। दोस्तों, जो हाथ में आभूषण पहने जाते हैं वो होते हैं दोस्तों अंगूठी, अर्सी, जो दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है, ये ध्यान रखना है, जो अर्सी होती है वो दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है। दोस्तों, बाजूबंद, चूड़ी, हथफुल, अनंत, लंगर, दामनी, दामनी कड़े और छन कंगन, गजरा जो कलाई में पहनते हैं और पछेली कंगन भी कलाई में पहनते हैं। दोस्तों, लास्ट है दस्तबंद। हाथ के आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाक, कान, गले के भी। अंगूठी, अर्सी, दाहिने हाथ अंगूठे में पहन जाती है अर्सी, बाजूबंद, चूड़ी, हथफुल, अनंत, लंगर, दामनी कड़े और छन कंगन भी, ये ध्यान रखना है हाथ में, और जो है पछेली कंगन और गजरा जो है कलाई में, और इसमें दस्तबंद भी आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जो पैर में पाने जाते हैं दोस्तों पाँव में वो होते हैं टकना, पायल, पजेब, चुटकी, छलकड़े। दोस्तों, छलकड़े कन्फ्यूज़ करने वाला, क्योंकि कड़े हम हाथों में पहनते हैं लेकिन ध्यान रखना छलकड़े जो हैं पाँव में पहने जाते हैं, बिछवे, कड़ी, गजरिया, दोस्तों ये पैर में पहने जाते हैं। और दोस्तों, जो कंठी होते हो पेंडल की लटकन में लगाई जाती है दोस्तों। दोस्तों, ये थे जो आभूषण हमारे सिर, माथा, कान, नाक, दांत, गले, कमर, हाथ, पैर में पहने जाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और दोस्तों, जो पुरुषों के आभूषण थे वो हैं दोस्तों मुर्की, जो कि कान में पहने जाते हैं, पुरुष मुर्की कान में पहनते हैं, और बाड़ी जो है महिलाएं पहनती हैं कान में, ध्यान रखना है, और गुलबंद, मफलर, सर्दी के लिए ये पुरुष यूज करते हैं,
इसमें पगड़ी आता है, साफा आता है और खंडवा जो है पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमने हरियाणा के जितने भी आभूषण हैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दो तीन बार देखें और डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लें तो दोस्तों आपको बहुत ही इसका लाभ मिलेगा और आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से जो है क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी एक कोशिश है कि हम अपने भाई बहनों के लिए जो है सारा डाटा जो है कंटेंट लेकर आएँ और जो अच्छे से अच्छा हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।